हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आजकल अपडेट चल रहा है किसका, ट्रांसफर प्रोसेस 2024 का, और उसी के साथ अटका हुआ है बहुत सारी और प्रोसेस, जैसे कि हमारा मोस्ट डिमांडिंग या मोस्ट अवेटेड क्या वेटिंग लिस्ट। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि जैसे ही ट्रांसफ़र प्रोसेस 2024 ख़त्म होगा, पूरा होगा, वैसे ही आप लोगों का ये जो क्या कहते हैं, हाँ, वेटिंग लिस्ट, इसका काम शुरू होगा। ठीक है, तो कल का ही वीडियो है, उसमें डाला था कि आपका जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा, और मैंने कहा था जून के थर्ड वीक तक ये सारा ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्रिटिसिज्म तो भगवान का भी होता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो आज नया अपडेट आ गया है, तारीख देख लीजिए, इस तारीख में वो डेट का खुलासा कर रखा है केवीएस ने, जिस दिन या जिस तारीख में आपका ये ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट होगा। चलो, आपने देख लिया केवीएस का है झूठा। पहली बात तो कई तो इतने ज़्यादा सोचते हैं कि ये झूठे सर्कुलर मैं बना रहा हूँ। भाई, ना तो इतना समय और ना ही मेरी इतनी हैसियत है, औकात है। ठीक है, तो चलो, तो कैलेंडर के बारे में कह रहा है कि फेज़ टू है। फेज़ टू मतलब अब हम भरेंगे जो ये क्या कहते हैं, ऑप्शन भरेंगे, उसका जो काम है वो जून 2024 में होगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अब तुरंत ही कुछ समय में ही जो सुप्रीम कोर्ट वाले 1455 टीचर थे उनको ट्रांसफ़र अलॉट कर दिया जाएगा, और उसके तुरंत बाद हम लोगों का ट्रांसफ़र स्टार्ट होगा, हम मतलब आप लोगों का स्टार्ट होगा। और अभी भी कह रहा हूँ, जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहा है, अपने किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे, क्योंकि ये सफ़र थोड़ा लंबा होगा। हालांकि मौका तो मिलेगा कुछ को, लेकिन अभी थोड़ा लंबा होगा। थोड़ा लंबा मतलब मान के चलो कि 3-4 महीने तो होंगे, इससे पहले नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसफ़र प्रोसेस 2024 जुलाई लास्ट या फिर अगस्त मिड तक कंप्लीट होगी, और उसके बाद 1-2 महीने में दोबारा वैकेंसी पोजीशन पूछी जाएगी सभी स्कूल से, और फिर जहां पे टीचर की जगह होगी वहां पे उनको भेजा जाएगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो सपोर्ट दिखाएं, सपोर्ट तो कोई नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं फिर भी ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सच्चाई बताई जाए और जो भी मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करा जाए। धन्यवाद।